हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। निकी की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आपको पता है अभी छठ पूजा आने वाला है, तो इसीलिए हम छठ पूजा के लिए हमें इतना सारा अभी बहुत काम बचा है, तो वो सब हम पूरा करने के लिए अभी सबसे पहले एक आंटी के पास जाएंगे अपने कपड़े लेने के लिए। हमने कपड़े सिलने के लिए दिए थे, तो चलिए और भी हमें बहुत काम है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी और मैं खुद भी वो सारा काम भी फिनिश करते जाऊंगी। तो चलिए मेरे गाइस, तो मैं वहाँ भी निकल चुके हैं, हम रास्ते में हैं और सबसे पहले हम ऑटो पकड़ के खपड़ल जाएंगे क्योंकि खपड़ल मोड़ में आंटी रहती है, इतना दूर लेकिन ऑप्शन नहीं था हमारे पास क्योंकि वही आंटी हमारे कपड़े हमेशा सिलाई करने से मुझे ही देते हैं, तो इसलिए अब बहुत धूप है, आँख भी नहीं खुल रहा है। अब देखते हैं आगे जो जो करेंगे आपको दिखाते चलेंगे। तो अभी हम डुगू के लिए यहाँ पे कुछ देख रहे हैं क्योंकि विंटर भी आने वाला है, तो बस इसीलिए हम उसके लिए कुछ ऐसे थोड़े से छोटे छोटे जो वोली वोली पैंट्स होते हैं ना, तो वो वाला ले रहे हैं डुगू के लिए। ग्रे है ना, ग्रे नहीं चाहिए। हाय फ्रेंड्स, तो हमारा सारा काम हो चुका है अभी, बट फिर भी अभी भी भाभी का बैंगल लेना बचा है, तो हम उसी के लिए अभी जा रहे थे मार्केट में घुस जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कांच की चूड़ियाँ नहीं मिली थी क्योंकि इसमें मेटल नहीं पहन सकते, कांच ही पहनते हैं, तो इसीलिए अभी हम घुसेंगे मार्केट, वहाँ से ले लेंगे हम कांच की चूड़ियाँ। उसके बाद देखते हैं, इयर रिंग भी खरीदना है लेकिन देखते हैं मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अब शाम को आएंगे हम। बाय। अभी हम घर जा रहे हैं और फिर हमें शाम को आना है क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ। तो देखते हैं। तो अभी ना मुझे फिर से मार्केट जाना पड़ रहा है बिकॉज अभी कुछ और सामान रह गया है, तो अभी मैं वो लेने के लिए जाऊंगी, उसके बाद फिर वहां से आके हम थोड़ा सा पैकिंग और बचा वो कर लेंगे। छठ पूजा में कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो हमने कांच की चूड़ियां भी यहां से ले ली। फ्रेंड्स, तो मैं घर आ गई हूँ और मैंने सारा सामान भी ले लिया है, अभी देखते हैं और क्या क्या काम बचा। अभी तो पहले डिनर बनाना है, डिनर बनाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, तो मैं आ गई वापस और अभी मैंने लगभग पैकिंग कर चुकी है, मतलब लगभग हो ही गया है बस और भी, लेकिन फिर भी बहुत काम बचा हुआ है। अभी मम्मी ने भी और पैकिंग करके रख दिया है और हमें और भी कुछ स्टफ़ अभी लेना बचा है, तो वो सब मैं अभी दूसरे बैग में डाल लूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 11:21, शायद यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो बस अभी जितना काम हो गया। लाल किले मुझे बहुत, पहले तो मुझे बहुत नींद आ रही है, पहले मैं फ्रेश होकर जा रही हूँ सोने के लिए बिकॉज इतना सुबह से मैं घूम रही हूँ कि मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, माइंड ऐसा डिस्टर्ब सा हो गया है, तो इसलिए बाकी काम मैं कल मॉर्निंग में उठ के करूँगी। कल मैं जल्दी उठ जाऊँगी और बाकी का पैकिंग तब मैं कर लूँगी, और अभी के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए गुड नाइट, लव यू।
दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो हो गया नेक्स्ट डे और आज हम जा रहे हैं बिनागुड़ी। मैंने आपको बताया था ना कल कि मैं पैकिंग कर रही हूँ, तो उसी के लिए मैं कल पैकिंग जो हम कर रहे थे तो वो उसी लिए मैं पैक कर रही थी, क्योंकि हम बिनागुड़ी जा रहे हैं, सब कोई जा रहे हैं, बस पापा कल आएंगे और हम बाकी सब हम आज ही चले जाएंगे। तो बस इतने मॉर्निंग में हम निकल चुके हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। इधर नहीं दिख रहा है, इधर देखिए बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो बस और अभी ट्रेन आने में शायद आई थिंक 20 मिनट्स लेफ्ट है, तो थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे यहाँ से भी। और किस तरह हम जल्दी जल्दी काम करके घर से जल्दी भागे, थोड़ा मोड़ा जल्दी से खाना बनाया और बस वहाँ से निकल गए। और डुग्गू सुबह से हमें इतना तंग कर रहा था, इतना ज्यादा तंग कर रहा था, मतलब सुबह से बस उसको रोना ही आ रहा था और कुछ नहीं, बस रोया जा रहा था, पहन रहा था। हाँ, इतना तंग कर रहा था ये। डुग्गू नमस्ते कर दो, नमस्ते करो, इधर सबको नमस्ते करो, डुग्गू नमस्ते करो, नहीं करोगे, बस हो गया इसका। ये बहुत मूडी है एक्चुअली, इसलिए अभी नमस्ते करने का इसका मूड नहीं है। तो चलिए हम, मैं अभी जैसे से जाऊंगी बिनागुड़ी, वो मैं आपको दिखाते जाऊंगी, आपको बिनागुड़ी का छठ पूजा दिखाएंगे। हाँ ये सही है, छठ पूजा में जा रहे थे, वहाँ पे वो वाला व्यू पूरा दिखाएंगे। तो ये रहा, यहाँ पे इतना भीड़ है अभी काफी, आई थिंक और भी थोड़े लोग उधर साइड साइड में भी हैं, आगे भी हैं, तो बहुत भीड़ है यहाँ पे अभी, आप देख सकते हैं। और डुगू बहुत खुश हो गया, यहाँ पे बहुत सारी बकरी दिख रही थी उसे तो मैं उन्हें बोल रहा था, थप्पड़ दिखा रहा था बकरी को, पता नहीं क्यों बकरी को थप्पड़ दिखा रहा था डुगू। ये देखिए बकरी, और डुगू उसे ही देख रहा है बस। डुगू बकरी कहाँ है, बकरी वो बकरी है। ये देखिए हमारे घर में पेटू लोगों को दो ही हैं, एक इधर भी है, दोनों के दोनों ठूसे जा रहे हैं एकदम। हम लोग व्रत में है, कोई इधर नहीं खा रहे, देख लीजिए नानी भी व्रत में है, बस वही सिंगल पीस है जो हमारे घर में बस ठूस रही है। अभी उनको बैठे बैठे गोभी की सब्जी का भी याद आ रही है, बना कर आइए, खा नहीं पाई तो याद आ रही है उनको, इसीलिए गोभी समझ के खा रही हूँ। अभी ट्रैवलिंग टाइम भी हम लोगों को कम से दो या तीन घंटा लग ही जाएगा, तब तक देखते हैं कैसे वेट करके रहती हैं वो ट्रेन में। जाके फिर हम खाना खाएंगे। नानी और
डुगू का बदमाशी आपको देख के कैसा लग रहा है? डुगू का बदमाशी देख के कैसा लग रहा है आपको? जी तो यहाँ पे भाभी बोल रही नानी को कि ना नानी को बचपन का याद आ गया। नानी लेकिन इतनी बदमाश तो नहीं होगी क्योंकि लड़कियाँ मोस्टली इतनी बदमाश होती नहीं है ना, और लड़के तो इतने बदमाश होते हैं। ये महान जी को देख लीजिए क्या हालत करके रखा है अपना, इसने अपने जूते भी उतार दिए है। नानी ने मस्त अपना खिड़की वाला विंडो सीट पकड़ लिया है और मस्त हवा खाते खाते नानी जा रही है। मन उठाते हुए मम्मी ने मस्त अपना बैग कैरी कर लिया है और अभी हम और भी सामान कैरी करेंगे। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जा रहे हैं। ओके तो हमारा सामान सब उतर रहा है। नहीं 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 खुला। तो यहाँ पे हम सब उतर गए हैं, अब यहाँ से हम जाएंगे बड़ी मम्मी के पास। बड़ी मम्मी इन्हीं के घर पे आए हम छठ पूजा करने के लिए। तो बड़ी मम्मी सबको हाई कर दो, तो ऐसे हाई कर दो, सबको हाई बोल दो ना। हाय। हाँ ये बड़ी नहीं, नहीं आज भी नहीं देखेगा। YouTube चैनल है ये। हे फ्रेंड्स, तो अभी हम सब यहाँ पे जा रहे हैं मार्केट करने के लिए। तीन भाई आपको पता है ये अंजु दीदी इन सब मिले नहीं है, और ये जीजू है जो कि थोड़ा फेस हाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो भाभी आपको पता है, तो अंजु दीदी नहा खा के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि छठ पूजा का तो पहला नियम होता है लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल खाने का, तो हमने भी वो यहाँ पे आके वही खाया। उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि घर में बहुत काम था, तो उसके बाद फिर जो भी काम था हमने वो काम करा। उसके बाद फिर मार्केट गए, तो नेक्स्ट डे खरना होता है, तो वो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए लाइक शेयर।